वेलकम फ्रेंड्स, अगेन वी स्टार्ट क्लास 12th लेसन फर्स्ट द टाइगर किंग। तो वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाई, एक दिन जब उसका गुस्सा है वो बहुत उच्च स्तर पर था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ होता है एट वंस या तुरंत, और उसने दीवान को आदेश दिया कि जो जमीन का कर है उसको तुरंत दुगना कर दिया जाए। द पीपुल विल बिकम डिसकंटेंटेड, लोग हैं वो असंतुष्ट हो जाएंगे। देन और स्टेट टू विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उस फिर हमारा जो राज्य है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा, प्रे शिकार को बोलते हैं। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, और इस स्थिति के अंदर आपको अपने पद से पत्याग देना पड़ेगा, पत्याग पत्र है वो देना पड़ेगा। सेड द किंग, राजा ने कहा। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, और दीवान है वो इस चीज से आश्वस्त होकर के घर गया कि यदि महाराजा को जल्दी ही कोई टाइगर या बाघ नहीं मिलता है द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रोफिक, तो कैटास्ट्रोफिक यानी विनाशकारी, तो इसके परिणाम है वो बहुत ही विनाशकारी होंगे। ही फेल्ट थ्रेटनिंग हिम टू ओनली व्हेन ही सा द टाइगर, ही फेल्ट लाइफ थ्रेटनिंग टू हिम ओनली, और उसने सोचा कि जीवन वापस केवल तभी लौट सकता है व्हेन ही सा द टाइगर विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपुल्स पार्क इन मद्रास, कि जब वह जो टाइगर पीपुल्स पार्क मद्रास से लेकर के आया था उसको देखा था, एंड कैप्ट हिडन इन हिज हाउस, और उस बाघ को वह अपने घर के अंदर छुपा के रखे हुए था। एट मिडनाइट, मध्य रात्रि को, व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब कस्बा है वो शांति से सोए हुए था, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रेग द टाइगर टू द कार, तो दीवान और उसकी जो वर्द पत्नी है उन्होंने उस बाघ को घसीट करके कार के पास में लाई, एंड शोव्ड इट इनटू द सीट, और इसे धकेल करके सीट के नीचे कर दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार, और दीवान है उसने स्वयं ने वह गाड़ी चलाई, स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, सीधा उस जंगल की ओर, वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जहाँ पर महाराजा शिकार कर रहे थे। व्हेन दे रिस्ट द फॉरेस्ट, और जब वो उस जंगल में पहुंचे, द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, तो उस समय जो बाघ है उसने सत्याग्रह शुरू कर दिया और इस प्रकार वह कार से नीचे आने से मना कर दिया या नीचे नहीं आया। द दीवान वाज थोरोली एग्जॉस्टेड, थोरोली यानी कंप्लीटली यानी पूर्ण रूप से, और इस प्रकार से दीवान है वो पूर्ण रूप से थक गया था इन हिज इफोर्ट्स अपने प्रयासों के अंदर टू हाल द बीस्ट आउट ऑफ द कार, हाल एच यूर हाल यानी जोर से घसीटना, जिससे कि उस बीस्ट या पशु को कार से बाहर ले आए, एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और इस प्रकार उसने धक्का देकर के उसको जमीन पर डाल दिया। ऑन द फॉलोइंग डे, आने वाले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर वांडर्ड इन टू द महाराजाज प्रेजेंसी, वो ही टाइगर या वो ही बाघ, कौन सा, जो पीपुल्स पार्क मद्रास से दीवान द्वारा लाया गया था वो उस जंगल के अंदर घूम रहा था, एंड स्टूड्स एज इफ इन हम्बल सुप्लीकेशन, और वह अपने एक विनम्र अनुनय विनय के रूप में खड़ा हुआ था। मास्टर मालिक, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, मालिक मेरे लिए क्या आदेश है, इट वॉज विथ बाउंडलेस जो, और यह अंतहीन खुशी का विषय था, दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, और उसी समय महाराजा ने बिल्कुल एक सावधानी पूर्वक निशाना है वो उसके ऊपर साधा, द टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड हीप, और इस प्रकार से वो टाइगर है वो एक क्रम्पल्ड यानी टूटी मुड़ी हीप एंड ढेर के रूप में गिर गया। आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, मैंने 100वां बाघ मार दिया है, माई वो हैज बीन फुलफिल्ड, और इस प्रकार से मेरी जो शपथ है वो पूरी हो गई। द महाराजा वाज ओवरकम विथ इलेशन,
द महाराजा वाज ओवरकम विथ इलेशन, और इस प्रकार से महाराजा है उसने अपना जो इलेशन या प्रफुल्लता है उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल किया। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रोट टू द कैपिटल इन ग्रांड प्रोसेशन, प्रोसेशन जुलूस को बोलते हैं बच्चों, और उसने आदेश दिया कि इस बाघ को एक जुलूस के रूप में कैपिटल या राजधानी लाया जाए। द महाराजा हैसन्ड अवे इन हिज कार, और इस प्रकार से महाराजा है वो अपनी कार के अंदर जल्दी चला गया। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, महाराजा के जाने के बाद में द हंड्रेड हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर, जो वहां पर शिकारी थे वो निकट जाकर के उस टाइगर को देखा। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आई इन बेफलमेंट, और इस प्रकार वो टाइगर है वो भी एक असमंजस की स्थिति में अपनी लुढ़कती हुई जो आंखें हैं उनसे उनकी ओर देखा। द मैन रियलाइज्ड दैट द टाइगर वाज, और जो मैन यानी कौन जो हंटर या शिकारी थे उन्हें महसूस हो गया कि जो बाघ है नॉट डेड, यानी वो बाघ है उसकी मृत्यु नहीं हुई है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, और जो गोली चूक चुकी थी, इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, और जो बाघ है वो जो घर घराती हुई गोली जा रही थी उसको सुनकर के उसी से वह सदने में जाकर के मूर्छित हो गया था। द हंटर्स वंडर्ड दैट दे शुड डू, और इस प्रकार से उन्होंने शिकारियों ने सोचा कि उनको अब क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नोट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, और उन्होंने इस चीज का तय किया कि महाराज को इस चीज का मालूम नहीं चलना चाहिए कि वो अपना निशाना चूक गए थे। इफ ही डिड, और यदि ऐसा हुआ, दे कुड लोज देयर जॉब्स, तो हमारी नौकरियां चली जाएंगी। वन ऑफ द हंटर टुक एन एम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 foot एंड शूट द टाइगर, और उनमें से एक जो शिकारी है वो 1 foot की दूरी से उस बाघ के ऊपर निशाना साधा और उसके ऊपर गोली चला दी। दिस टाइम ही किल्ड इट और विदाउट मिसिंग हिज मार्क, और इस बार अपना निशाना है वो चूके बिना उसने उस बाघ को गोली मार दी और उसे मार दिया। देन तब एज कमांडेड बाय द किंग, जैसे कि राजा ने आदेश दिया था, द डेड टाइगर वाज टेकन विदाउट मिस इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड ब्यूरोड, और तब उस बाघ को एक जुलूस के रूप में कस्बे में लाया गया और उसको दफना दिया गया। ब्यूरोड यानी दफनाना। ए टॉम्ब टॉम्ब यानी मकबरा वाज इरेक्टेड और इट इरेक्टेड यानी खड़ा करना, और इस प्रकार वहां पर एक मकबरा है वो उस बाघ की जगह पर खड़ा कर दिया गया। ए फ्यू डे लेटर कुछ समय बाद में द महाराजा सन से थर्ड बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड, महाराजा का जो पुत्र है उसका तीसरा बर्थडे है वो मनाया गया। अंटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग, और तब तक महाराजा है वो अपना पूरा का पूरा समय है वो बाघों की शिकार के ऊपर लगा रहे थे। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, और उनके पास में जो राजकुमार है उसके लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त समय नहीं था। बट नाउ, लेकिन अब द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, अब राजा है वह अपने बच्चे की ओर ध्यान देने लगा। ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट, अब वह उसको ऑन हिज बर्थडे, अब वह उस क्राउन प्रिंस या राजकुमार को उसके जन्मदिन के ऊपर कोई उपहार देना चाहता था। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम, वह प्रतिबंधपुरम के बाजार में गया। एंड सर्च्ड एवरी शॉप, और प्रत्येक दुकान की तलाशी ली। बट कुड नॉट फाइंड एनी थिंग सुटेबल, लेकिन कोई भी चीज वहां पर उपयुक्त नहीं मिली। फाइनली अंत में ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर इन ए टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वॉज अ परफेक्ट गिफ्ट, और अंत में उसने एक जो लकड़ी का धब्बेदार बाघ है वो एक खिलौने की दुकान के अंदर पाया और उसने सोचा ये सबसे अच्छा उपहार है। द वुडन टाइगर कॉस्टली ओनली 2 आना एंड 1/4, और
वो जो लकड़ी का टाइगर है उसकी कॉस्ट है वो केवल 2.25 आना थी। बड़दा शॉपकीपर न्यू, लेकिन दुकानदार जानता था दैट इफ ही कोटेड सच ए लो प्राइस टू द महाराजा, कि यदि वह महाराजा को इतनी कम कीमत बताएगा ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल ऑफ द इमरजेंसी। तो महाराजा है वो उसको इमरजेंसी के नियम है उनके अनुसार दंडित करेंगे। सो इसलिए ही सेड, उसने कहा, योर मैजेस्टी, आपकी महानता, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। क्राफ्टमैनशिप कारीगरी को बोलते हैं। यह एक दुर्लभतम कारीगरी है, उसका एक दुर्लभ उदाहरण है, ए बार्गिन एट द 300 रुपीज। और इस प्रकार जिस जो सौदा है वो 300 रुपये के ऊपर हुआ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। यह आपकी तरफ से राजकुमार के लिए उसके जन्मदिन के ऊपर भेंट होगी, सेड द किंग, राजा ने कहा। एंड टुक इट अवे विथ हिम, और इसको अपने साथ में ले गया। वन ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद द टीनी लिटिल वुड टाइगर। और उस दिन पिता और पुत्र दोनों है उस छोटे से बाघ से खेलते रहे। इट हैड बीन ए क्रेव्ड बाई एन अनस्किल्ड कारपेंटर, अनस्किल्ड यानी अकुशल, और यह एक अकुशल जो खाती है या कारपेंटर है या बढ़ई है उसके द्वारा इसको उकेरा गया था। इट्स सरफेस वाज रफ, और इसकी सतह है वो खुरदरी थी। टाइनी सिल्वर ऑफ वुड्स, और छोटे छोटे सिल्वर्स होते हैं प्रखचियां, लकड़ी की प्रखचियां हैं, स्टूड वो खड़ी हुई थी अप लाइक स्केल्स ऑल ओवर इट, वो उसके ऊपर उसके पंख या कांटों के रूप में खड़ी हुई थी। वन ऑफ दो सिल्वर्स, और उनमें से एक प्रखच्ची है पायरस्ट द महाराजाज राइट हैंड, महाराजा का जो दायां हाथ है उसको भेद दिया। ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड, और उसने उसको अपने बाएं हाथ से बाहर निकाल दिया। एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और वह उस राजकुमार के साथ लगातार खेलता रहा। तो आपने देखा बच्चों कि किस तरह से जो लकड़ी का टाइगर है उसकी जो प्रखचियां हैं लकड़ी की, वो महाराजा का जो हाथ है वहां पर लग गई, उसमें चुभ गई, और जो अंतिम टाइगर या सोवा टाइगर था वो एक शिकारी के द्वारा उसको मारा गया था। तो बच्चों आपको ये पाठ कैसा लग रहा है, इसके लिए कोई भी कमेंट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स करो। इस चैनल को आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जितना इसको शेयर और सब्सक्राइब करोगे आपके लिए उतने ही अच्छे वीडियो हैं वो और लाए जाएंगे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड, फ्लेयर यानी फैल जाना, जो संक्रमण है वो महाराजा के बाएं हाथ के अंदर राइट हैंड दाएं हाथ के अंदर फैल गया। इन 4 डेज, और 4 दिन तक, इट डेवलप्ड इनटू ए सपोर्टिंग सोर, और यह एक घाव के रूप में, स्पुरेटिंग सोर होता है मवाद वाले घाव के रूप में हो गया। विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और वह पूरी भुजा में फैल गया। 3 famous surgeons वर ब्रोट इन फ्रॉम मद्रास, और 3 प्रसिद्ध मद्रास के जो सर्जन हैं उनको बुलाया गया। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन, और एक विचार विमर्श के बाद में, दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, उन्होंने इसकी शल्य क्रिया करने का तय किया। द ऑपरेशन टुक प्लेस, और इस प्रकार से जो ऑपरेशन है वो किया गया या शल्य क्रिया की गई। द 3 surgeons हु परफॉर्म्ड इट, और जो 3 surgeon या 3 जो शल्य चिकित्सक हैं उन्होंने उस शल्य क्रिया को पूरी की। इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड, वो शल्य कक्ष के बाहर आए और उन्होंने घोषणा की कि द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, कि जो ऑपरेशन है या शल्य क्रिया है वो सफल रही है। द महाराजाज इज डेड, महाराजा मर गए हैं। इन दिस मैनर द 100th tiger टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, और इस प्रकार से जो सोवा बाघ था उसने अपना जो प्रतिशोध है वो बाघ राजा से लिया। अबाउट द स्टोरी के बारे में,
द टाइगर किंग इज ए स्टोरी ऑफ ए ब्रेव एंड ऑब्स्टिनेट मैन। जो टाइगर किंग कहानी है वो एक बहादुर और जिद्दी व्यक्ति की कहानी है। इट वॉज प्रेडिक्टेड एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ दैट ए टाइगर वुड काज हिज डेथ। और उसके जन्म के समय इस चीज की घोषणा की गई या भविष्यवाणी की गई कि इस बच्चे की मृत्यु है वो बाघ के कारण होगी। सो ही डिसाइडेड टू किल ऑल द टाइगर्स। इसलिए उसने सभी जो बाघ हैं उनको मारने का तय किया। ही किल्ड मैनी टाइगर्स विथ ग्रेट क्रुएलिटी। और उसने बहुत से बाघ हैं उनको बहुत ही निर्दयता के साथ में मार दिया। हिज व्हिम टुक लाइफ ऑफ सो मैनी इनोसेंट एनिमल्स। और उसकी यह जो सनक है उसने कई जो भोले वाले जानवर हैं उनके जीवन को छीन लिया। बट वाट इज टू बी मस्ट हैपन। लेकिन जिस चीज को घटित होना होता है एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत के ऊपर। एंड सो इट हैपन्ड। और इसलिए वो चीज घट गई। आफ्टर किलिंग सो मेनी टाइगर्स बहुत से बाघ मारने के बाद में ए स्मॉल वुडन टाइगर काज हिज डेथ। एक छोटा सा लकड़ी का जो टाइगर है वो उसकी मृत्यु का कारण बना। थस इस प्रकार से केम द पेनफुल एंड ऑफ ए हर्टलेस किंग। और इस प्रकार से एक जो हृदयहीन राजा है उसका दर्दनाक अंत हुआ। हु हैड नो सिंपैथी फॉर वाइल्ड लाइफ। और वन्य जीवों के प्रति उसके पास में किसी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं थी। तो ये प्यारे बच्चों आपका जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। अब अपन इसके कुछ क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको जो उपयुक्त विकल्प है उसका चुनाव करना है। तो द महाराजा वाज डिटरमाइंड टू किल। महाराजा है वो दृढ़ निश्चय था। तो टू किल 100 लॉइन, 100th एलिफेंट, 100th टाइगर और 100th लियोपार्ड। तो इसमें जो भी आंसर हो उस आंसर को आप कमेंट सेक्शन में जाकर के इसका आंसर आपको लिखना है। अगला है द रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन वाज दैट द टाइगर किंग वुड बी किल्ड बाय ए। तो क्या आ जाएगा? लोइन, लियोपार्ड, टाइगर और स्नेक। तो इसका आंसर आ जाएगा टाइगर, क्योंकि जो भविष्यवक्ता है उसने घोषणा की थी कि टाइगर किंग है उसकी मृत्यु बाघ के द्वारा होगी। अगला क्वेश्चन है अपना थर्ड। द दीवान हैड ब्रोट द 100th टाइगर फ्रॉम द पीपुल्स पार्क इन मद्रास। तो पीपुल्स पार्क मद्रास से वो उस सोए बाघ को लेकर के आए थे। द रीजन ऑफ द डेथ ऑफ द महाराजा वाज। महाराजा की मृत्यु का जो कारण है वो क्या था? वो था लकड़ी का जो बाघ है उसकी प्रखच्ची है उसके चुभने से। तो इसका क्या जाएगा? सिल्वर ऑफ ए वुडन टॉय टाइगर। तो बी आंसर आ जाएगा इसका। द 100th टाइगर वाज एक्चुअली किल्ड बाई द। और जो सोमा टाइगर है वो मारा गया। वास्तव में उसको किसने मारा था? तो आपने देखा होगा कि जो एक शिकारी है वो शिकारी 1 फीट की दूरी से अपना निशाना बांधता है और उसके गोली मार देता है। तो बाय द हंटर। तो इसका आंसर बी आ जाएगा। अगला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 words। आपको इसके 30 से 40 शब्दों में उत्तर देने हैं। तो जब आप इस पाठ को 2 या 3 बार अच्छी तरह से पढ़ोगे तो इसके आंसर आप आसानी से दे दोगे। पहला क्वेश्चन है हु वाज द टाइगर किंग और व्हाई डिड ही गेट दैट नेम। तो टाइगर किंग द टाइगर किंग वाज ए किंग ऑफ द प्रतिबंधपुरम स्टेट। व्हाई डिड ही गेट दैट नेम? तो ही किल्ड मैनी टाइगर्स सो पीपुल कॉल्ड हिम एज ए टाइगर किंग। ठीक है। What miracle happened when the Tiger King was just an infant? कौन सा miracle या चमत्कार घटित हुआ जब वह बच्चा केवल शिशु था? तो जब वो बच्चा 10 दिन का था तो when the Tiger King was just an infant he uttered in clearly voice to the astrologers what is the death of what is the death of what is the type of death
ऑफ माई, यानी उसकी जो मृत्यु का तरीका है वो क्या है वो पूछने के लिए उसने उच्चारण किया था। हाउ वॉज प्रिंस जंग बहादुर ब्रोट अप, जो प्रिंस जंग बहादुर है उसका पालन पोषण कैसे किया गया। तो प्रिंस जंग बहादुर है उसको एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर पढ़ाया गया। ही ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, वह एक अंग्रेजी गाय है उसका दूध पीता था। ही ब्रोट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, और एक जो इंग्लिश दहाई है उसने उसका पालन पोषण किया। ही ओनली सी इंग्लिश फिल्म, और वह केवल जो अंग्रेजी फिल्में हैं वो देखता था। यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, आप अपनी स्वयं की रक्षा के अंदर एक गाय को भी मार सकते हो। व्हाट डिड दिस ओल्ड सेइंग मीन टू द टाइगर किंग, और इस जो प्राचीन कहावत है उसका उस बाघ राजा के लिए क्या महत्व था। तो उसका ये मतलब था कि यदि एक गाय जैसी जो पवित्र जानवर है उसको भी अपनी आत्मरक्षा का संरक्षा के अंदर मार सकते हो तो राजा को खतरा बाघ से था, इसलिए बाघ को मारने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। हाउ डिड द टाइगर किंग फील व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, बाघ राजा है उसने क्या महसूस किया जब उसने पहला बाघ मारा। व्हाई डिड ही सेंड फॉर द रॉयल एस्ट्रोलॉजर, तो व्हेन द टाइगर किंग किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर ही फेल्ट वेरी इलेटेड एंड ही समंड द रॉयल एस्ट्रोलॉजर टू सी दैट ही किल्ड द टाइगर। अगला क्वेश्चन है, वाई वाज टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के अंदर बाघों का शिकार है उसके ऊपर क्यों प्रतिबंध लगा दिया गया। तो द टाइगर हंटिंग इज बैंड इन प्रतिबंधपुरम, वाज बैंड इन प्रतिबंधपुरम बिकॉज द किंग वॉन्टेड टू किल ऑल टाइगर विथ हिज ओन हैंड्स। अगला है, वाट स्टेप्स डिड द किंग टेक ए कंप्लीट हिज मिशन, अपने पूरा मिशन करने के लिए बाघ राजा है उसने कौन कौन से चरण किए। तो एट फर्स्ट ही किल्ड ऑल टाइगर्स ऑफ हिज किंगडम, सबसे पहले उसने अपने राज्य के सभी जो टाइगर हैं उनको मार दिया। आफ्टर किल्ड 70 टाइगर्स, 70 बाघ मारने के बाद में ही मैरिड ए प्रिंसेज वेयर द टाइगर्स पॉपुलेशन इज वेरी मच, और बाद में उसने एक ऐसी राजकुमारी से शादी की जहां पर बहुत ज़्यादा बाघ थे। एंड इन दिस वे ही हंटेड 99 टाइगर्स, और इस तरीके से उसने 99 बाघ हैं वो मार दिए। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी ए गर्ल ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विथ ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। तो आफ्टर किलिंग 70 टाइगर्स फ्रॉम हिज किंगडम द टाइगर किंग वांटेड नेक्स्ट 30 टाइगर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स, सो ही आस्क्ड हिज दीवान टू सर्च ए सुटेबल गर्ल वेयर टाइगर पॉपुलेशन इज वेरी मच। अगला है अपना, स्टेट ट्रू और फॉल्स, द टाइगर किंग इज द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, तो ये आपका राइट है क्योंकि वो वहीं का शासक था। रॉयल एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड हिज डेथ टू बी कॉज्ड बाय ए स्नेक, जो रॉयल एस्ट्रोलॉजर है उसने भविष्यवाणी की कि राजा की मृत्यु सांप द्वारा होगी, तो ये फॉल्स है क्योंकि बाघ द्वारा होनी थी। द किंग हंटेड 99 टाइगर्स, राजा है उसने 99 जो टाइगर है उनका शिकार किया, तो ये ट्रू है। द टाइगर किंग्स स्टोरी इज ए सटायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर, तो ये ट्रू है। द महाराजाज हैड किल्ड ऑल द टाइगर्स फाउंड विथ हिज स्टेट, तो महाराजा है उसने अपने साम्राज्य के सभी बाघों को मार दिया, तो ये राइट है। द महाराजा ऑर्डर्ड हिज दीवान टू फाइंड द 90th टाइगर एट एनी रेट, तो ये
फाल से, क्योंकि वह सोमा बाघ है, उसको अपने दीवान से मंगवाया था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ओके बाय।